ने इस निजाम को शुरू किया, इस प्रोजेक्ट को, टीटीएस को एक चमकता हुआ पैकेज बना के पेश किया, लेकिन उसके बाद इसकी स्ट्रक्चरिंग करना, इसके ऊपर इसको मजीद पुरकशिश बनाना वो भूल गए। अभी जब भी इनसे मीटिंग्स होती हैं मौजूदा चेयरमैन से, तो ये कहते हैं कि ये तो चलता नजर नहीं आ रहा। भाई जब चलता नजर नहीं आ रहा आपको, आपने 15-20 साल पहले शुरू क्यों किया था? अब कहते हैं कि आप लोग अपनी मर्जी से आए थे। हाँ आए थे अपनी मर्जी से, लेकिन ख्वाब आप लोगों ने दिखाए थे। आप लोगों ने कहा था कि बाहर की नौकरियां छोड़ो, इधर अच्छी नौकरी देते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे बच्चों को बैनुल अक्वामी मयार के मुताबिक बनाओ। आपकी अपनी रिपोर्टें कहती हैं कि हमने बनाया, आपकी अपनी रिपोर्ट्स कहती हैं कि पहले से मौजूद फैकल्टी की निस्बत 300 से 400% अच्छी कारकर्दगी है हमारी। इसमें कुछ झूठ है तो आके मुनाजरा कर लें। आपकी अपनी रिपोर्टें हम निकाल के आपके मुंह पे मारेंगे। आपने हमसे वादा लिया कि परफॉर्म करें, आपको अच्छा जॉब देंगे, अच्छा सैलरी देंगे, बस आप तजर्बा गाहों में रहें, आप लेक्चर रूमों में रहें, कौम की आबियारी करें। हमने तो अपने वादे का पास किया। सवाल यह है कि क्या आप अपने वादे का पास कर रहे हैं? नहीं, आप हठधर्मी पे हैं, आप भुलक्कड़ हैं। लेकिन अब मैं क्या गिनवाऊं यहाँ पे, काजी साहब ने, डॉक्टर साहब, बिलियामीन साहब।